हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने अराइवल ऑफ यूरोपियन करवाया था कि किस तरीके से यूरोप से वास्को डिगामा ने जो केप ऑफ हुड से हमने देखा था, होप से केप ऑफ हुड से इन्होंने जो है वाटर के थ्रू इंडिया में आने का रास्ता ढूंढा था। उसके बाद सबसे पहले पोर्टुगल आए थे। पोर्टुगीज जो थे वास्को डिगामा के नाम से हम जानते हैं कि उन्होंने ही इंडिया में आने का जो मेरीटाइम रूट है वो पानी के रास्ते से इंडिया में आने का जो रास्ता था वो किसने ढूंढा था, वास्को डिगामा ने। वहाँ से स्टार्ट करके उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि जो पोर्टुगीज थे ये इंडिया में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे और इंडिया से जाने वाले सबसे लास्ट यूरोपियन भी पोर्टुगेज ही थे। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है कि जो इन सबको हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पकड़ कैसे बनाई। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि उन्होंने उस पर अपने अंडर ले लिया, यानी कि उस पर पराजय अपनी जीत हासिल कर ली, उसको अपने अंडर ले लिया, हड़प लिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ब्रिटिश का जो कॉन्क्वेस्ट है ऑफ बंगाल, तो बंगाल के लिए इनका जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था ये सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट हुआ था जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर लड़ा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं दोनों, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉर बंगाल, इसके बाद मैसूर के लिए पढ़ेंगे, वो अलग वीडियो होगी, उसके बाद मराठा और एक दो जगह के बारे में और पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने जो है कॉन्क्वेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। बंगाल की बात करें तो ये उस टाइम पीरियड की बात है, 17 से 18 सेंचुरी के पीरियड की। तो इन मुगल पीरियड बंगाल वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट प्रोविंस। तो कहने का मतलब है कि मुगल पीरियड में जो बंगाल है वो मोस्ट फर्टाइल था और बहुत ही रिचेस्ट प्रोविंस था। मुगल पीरियड की बात हो रही है तो बंगाल हमेशा से ही शुरू से काफ़ी क्या रहा है, एक रिचेस्ट एरिया रहा है जहाँ पे पैसा बहुत था, खनिज मिलते थे वहाँ पे, फर्टाइल लैंड हुआ करती थी वहाँ की ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। एंड इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। आज के अगर हम बात करें तो उस टाइम के बंगाल में बांग्लादेश भी हुआ करता था, बिहार भी हुआ करता था और उड़ीसा भी इंक्लूड था। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मुगल पीरियड की या ब्रिटिशर्स के टाइम के बंगाल की बात करें तो उस टाइम पे बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा किसका पार्ट था, बंगाल का। द अथॉरिटेटिव पावर ऑफ द प्रोविंसेस ले इन द हैंड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। तो जो पावर थी अथॉरिटी की बंगाल की, भले ही वो मुगल के अंदर था लेकिन जो नवाब थे बंगाल के उनके अंडर थी सारी पावर, उनके हाथ में दे रखी थी। तो अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें उस टाइम पे हम, तो बंगाल हेल्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स फेमस टेक्सटाइल। तो बंगाल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, टेक्सटाइल के लिए, फैब्रिक्स के लिए और सिल्क के लिए और सॉल्टपेटर, यानी कि आप सबको पता होगा सॉल्टपेटर हम किसे बोलते हैं, शोरा जिसे हम बोलते हैं। जो एक्सपोर्ट है बंगाल से, एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल टू यूरोप कंसिस्ट होता था, यानी कि जो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो हम इंडिया से बाहर भेज रहे होते थे तो वो बंगाल से यूरोप हमारा जो है सामान जाता था, वो क्या जाता था, सोल्ट पिटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। तो ये जो आइटम्स हैं ये सारे एक्सपोर्ट हुआ करते थे बंगाल से यूरोप में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लेना। अब बात करें अगर हम इम्पॉर्टेंस फॉर द ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल में इम्पॉर्टेंट क्या था, तो बंगाल बिकम द फर्स्ट किंगडम टू बी ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो बंगाल ऐसा पहला किंगडम है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ऑक्यूपाई किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला स्टेट बोल सकती हो जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद ऑक्यूपाई किया, यानी कि उसको हड़प लिया, उसको अपने अंदर ले लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया, तो वो होगा हमारा बंगाल। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैरिड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड विद दिस प्रोविंस। तो यहाँ से ये ट्रेड करते थे, इनको यहाँ से बहुत फ़ायदा होता था। द इनॉर्मस रिसोर्सेज ऑफ बंगाल केम इन हैंडी ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब कहने का मतलब है अगर ये हमारा इंडिया का लोअर पोर्शन है, अगर ये एरिया हमारा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा का है, हम सबको पता है कि झारखंड भी यहाँ पे था, उड़ीसा है, बिहार है, बांग्लादेश है, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लैंड भी बहुत फर्टाइल थी, हर तरीके के खनिज मिलते थे यहाँ पर, कोई भी पत्थर हो किसी भी चीज़ के लिए, जो झारखंड का एरिया जिन चीज़ों के लिए फेमस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती थी, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह। तो अपने आप में ही बंगाल उस टाइम पे काफ़ी रिच एरिया था। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करना था, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी यहाँ पर ग्रो कर रहे थे। तो नियरली 60% ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया, इम्पोर्ट का मतलब है जो ब्रिटिशर यानी कि ब्रिटेन में या फिर यूरोप में जो ब्रिटिशर्स थे वो एशिया से जो इम्पोर्ट करते थे यानी खरीदते थे, तो मोस्टली जो 60% जो गुड्स होता था वो बंगाल से होता था। तो कहने का मतलब है एशिया बहुत बड़ा एरिया है, एशिया का पार्ट इंडिया है और वहाँ से बंगाल से ही ये इंडिया के पार्ट से ही 60% का जो है इम्पोर्ट करते थे यानी कि सामान खरीदते थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, तो इन्होंने कलकत्ता इस्टेब्लिश किया था एंड इस्टेब्लिश ब्रिटिश कमर्शियल सेटलमेंट इन
1690, तो 1690 में इन्होंने अपना कमर्शियल सेटलमेंट सेटअप किया था कहाँ पे, कलकत्ता में, और फाउंडेशन रखी थी कलकत्ता की किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। द कंपनी पेड अ सम ऑफ ₹3,000, या फिर यूरो में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 350 पर एनम। तो पर एनम ये इतना अमाउंट पे करते थे मुगल एम्परर को, हु अलाउड देम टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से जो ये कमाते थे उसका बहुत ही छोटा पार्ट ये मुगल एम्पायर को ट्रिब्यूट में बोल सकते हो, या फिर एक उसमें देते थे इंटरेस्ट के रूप में कि जो आपने कमाया उसके बदले में मुगल एम्पायर ने इनको पूरा फ्री ट्रेड दे दिया था बंगाल का, कि आप लोगों को जितना ट्रेड करना है आप बंगाल में करिए, आप बस हमें सालाना इतने पैसे दे दिया करना। इन कॉन्ट्रास्ट द कंपनीज एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल वर वर्थ मोर देन, अब देखिए ये कितना पे करते थे सिर्फ रुपीज में, अगर हम देखें 3,000, यूरो में देखें तो 350, और उस टाइम पे कंपनी जो है हर साल कितना कमाती थी, मोर देन 50,000 यूरो से। तो कुछ भी नहीं देते थे, 1% भी ये लोग अपना जो इनकम होती थी उसका 1% भी मुगल एम्पायर को नहीं देते थे ये लोग। तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें अमंग नवाब एंड द ब्रिटिशर्स, अब इस वजह से जो बंगाल का नवाब था और जो ब्रिटिशर्स थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से आया और क्या था वो देखना है। द स्पेशल प्रिवलेजेस इंजॉयड बाय द ब्रिटिश कंपनी वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड, तो जो उन्होंने अपने आप को ही काफ़ी सारे राइट्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स ने, जो प्रिवलेजेस उन्होंने अपने आप को इंजॉय करते थे वो, तो जो इसको नवाब ऑफ बंगाल ने काफ़ी स्ट्रांगली अपोज्ड किया, इसके अगेंस्ट गए, एज इट मीन्ट अ ह्यूज लॉस ऑफ द प्रोविंशियल एक्सचेपर। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे और कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब को उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो ये उसका उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे जो बंगाल के नवाब थे। Consequently, the friction between the Britishers' commercial interest and the Bengal government became the chief cause for the conflict of the two. तो अब यहाँ से conflict जो है rise हो गया, यानी कि इनके बीच में जो मतभेद था वो बढ़ गया, किसके बीच में, बंगाल की गवर्नमेंट यानी कि नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में। एज अ रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि ब्रिटिशर्स ने मतलब ब्रिटिश फेल्ट अ नीड फॉर अ पपिट, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें एक पपिट चाहिए एज अ नवाब, तो जो नवाब उस टाइम पे था वो इनकी नहीं सुन रहा था, तो अब इन्होंने सोचा कि हमें इस नवाब को हटा के ऐसे नवाब को बिठाना है जो एक पपिट यानी कि एक कठपुतली की तरह इनके इशारों पे नाचे, ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल टू विलिंगली गिव देम ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिवलेजेस एंड एस्टेब्लिश देयर इनडायरेक्ट बट अल्टीमेट पावर इन द प्रोविंस। इनडायरेक्टली ये सारी पावर जो है बंगाल की लेना चाहते थे, लेकिन नाम के लिए जो नवाब ये अपनी कठपुतली बनाकर उसको बिठाना चाहते थे कि वो नवाब जो है इनको सारे प्रिवलेजेस दे, सारे कंसेशन दे, ट्रेड के हर तरीके का ट्रेड ये कर पाए, और उसको बाकी लेकिन कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, ऐसा कोई इंसान ये नवाब के रूप में चाहते थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले कौन सी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1757 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट एग्जाम में एज इट इज आती है। तो प्लासी जो है एक विलेज था, ठीक है, ये ध्यान रखना है कहाँ पर, और एक रीज़न था, एक विलेज था वेस्ट बंगाल में जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते, तो प्लासी एक जगह थी जहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी रखा गया। ऑन द ईस्ट ऑफ रिवर भागीरथी, तो किस रिवर के ईस्ट में, यानी कि पूर्वी साइड में था, तो भागीरथी रिवर के पूर्वी साइड में प्लासी नाम का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, तो इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी रखा गया है, जो कि कब हुई थी, 1757 में। फिर ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो अगर एग्जाम में आया कि उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव, केम अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला। अब बैटल ऑफ प्लासी किनके बीच में हुई, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ कौन थे, सिराजुद्दौला थे, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, तो ये आखिरी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद थे नवाब बंगाल के, इनको भी क्या किया रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, किसके साथ अलायंस करके, नवाब ऑफ बंगाल के साथ, फ्रेंच का अलायंस था, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जीत जाते हैं, और जो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये युद्ध किसके हित में रहता है, तो ये ब्रिटिशर्स के हित में रहता है, और यहाँ पर जो लास्ट हमारे नवाब रहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये हार जाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बनेंगे वो ब्रिटिशर्स की कठपुतली बन जाते हैं जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। बैकग्राउंड की बात करें तो जो सिराजुद्दौला थे जो नवाब थे बंगाल के, ये ध्यान रखना कि बैटल ऑफ प्लासी में जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, तो वो सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, द देन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान आफ्टर हिज डेथ, तो जो अलीवर्दी खान थे वो इनके ग्रैंडफादर थे, तो उनकी डेथ के बाद जो सिराजुद्दौला जो है गद्दी संभालने आए थे, किसकी हम बोल सकते हैं किसकी गद्दी संभाली इन्होंने, बंगाल की। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हम देखेंगे अब अलीवर्दी खान कौन थे. अलीवर्दी खान वॉज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार. तो बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे. और ये किन के ग्रैंड फादर थे, तो ये सिराजुद्दौला के ग्रैंड फादर थे, यानी कि उनके दादा थे. हु अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग. तो जो अलीवर्दी खान थे इन्होंने किसको मारा था, इन्होंने सरफराज खान को मार के अपने आप को बिहार का डेप्यूटी गवर्नर घोषित कर दिया था. एन इनकैपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ बंगाल. तो किस किस को मारा इन्होंने, सरफराज खान को, और एक इनकैपेबल सन था इनका जो कि था मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ बंगाल. तो जो दीवान ऑफ बंगाल था उनको मार के क्या कहते हैं अलीवर्दी खान जो है बिहार के गवर्नर बने थे. अलीवर्दी खान कौन थे, ये नवाब ऑफ बंगाल जो कि थे सिराजुद्दौला उनके ग्रैंडफादर थे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सिराजुद्दौला वॉज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ राइवल्स. जब सिराजुद्दौला जब नवाब बने बंगाल के, तो ये काफ़ी ज़्यादा किससे घिरे हुए थे, राइवल्स यानी कि विद्रोहियों से घिरे हुए थे. इन हिज ओन कोर्ट, इनके खुद के कोर्ट में इनके खिलाफ काफ़ी लोग थे. हु हेल्प द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी विन करने में बैटल ऑफ प्लासी. तो कहीं ना कहीं ये था कि ब्रिटिशर्स इतने अभी तक भी इतने मजबूत नहीं थे कि बैटल ऑफ प्लासी में वो जीत सकते थे, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला उनके ही कोर्ट में उनके अगेंस्ट काफ़ी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी, कब, बैटल ऑफ प्लासी में. और ये वन ऑफ द रीज़न है कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर जीत जाते हैं और जो नवाब ऑफ बंगाल होता है सिराजुद्दौला वो हार जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी में. कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में. डेट याद रखनी है. इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स प्रेसिडिंग द बैटल, तो इवेंट्स जो है प्रेसिड करते हैं बैटल्स को. तो कौन से बैटल्स थे, द विक्ट्री, ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे, द विक्ट्री इन द कर्नाटिक. तो जो कर्नाटिक में जो इनकी विक्ट्री हुई थी ब्रिटिशर्स की, हैड ऑलरेडी मेड सिराज अपीयरेंसिव ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं पता था, कब पता चला इसको कि ब्रिटिशर्स अराइज कर रहे हैं यानी कि जीत रहे हैं. तो ये जो विक्ट्री हुई थी कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिशर्स की, वहाँ से सिराजुद्दौला को आइडिया लग गया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये अब रुकेंगे नहीं, तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी करना बहुत ज़रूरी था. लेकिन वहाँ पे ये हार जाते हैं सिराज जो है. मोर ओवर हम बात करें आगे की, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिस यूज़. तो मिस यूज़ किया जो कंपनी के ऑफिशियल्स है ऑफ इट्स ट्रेड और प्रिवलेजेस का, दैट एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब के फाइनेंस को. तो नवाब के फाइनेंस पे काफ़ी असर पड़ रहा था क्योंकि ये खुद तो मुनाफा कमा रहे थे लेकिन ये दिखा रहे थे कि हम लॉस में जा रहे हैं. और जो ट्रिब्यूट देना होता था मुगल एम्पायर को, पैसे देने होते थे, वहाँ ये कंजूसी करते थे. और इस तरीके से उनका जो फाइनेंस का वो पूरा संभालने वाला था नवाब का, वो ख़राब हो रहा था. द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट परमिशन ऑफ नवाब. तो फोर्टिफाइड किया कलकत्ता को, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, किसकी, बिना परमिशन लिए नवाब की, विच द नवाब टुक एज एन इग्नोरेंस. नवाब को लगा ये इग्नोर किया जा रहा है और इनकी पावर के खिलाफ जा रहे हैं ये लोग और इनसे पूछ नहीं रहे हैं. तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है राइवलरी उत्पन्न हुई इन लोगों के बीच में. द इन्फ्यूरिएटेड नवाब मार्च टू कलकत्ता. तो नवाब क्या करते हैं, कलकत्ता की तरफ मार्च करते हैं एंड ऑक्यूपाई करते हैं फोर्ट विलियम. हम सब जानते हैं जो किला बनाया गया था, फोर्ट जिसे हम बोलते हैं कलकत्ता का, वहाँ पर नवाब ने अटैक किया, एक तरीके से बोल सकते मार्च किया. कब किया था, बैटल ऑफ प्लासी से एक साल पहले यानी कि 1756 में. तो शॉर्टली आफ्टर फोर्ट विलियम सरेंडर, तो फोर्ट विलियम्स को सरेंडर करने के बाद ऑन जून 20, 1757 हो गया पे, सिराज कन्फाइंड करते हैं 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स इन अ स्मॉल. होता क्या है कि जब ये फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं नवाब, मार्च करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, उस फोर्ट में एक छोटे से तहखाने में कलकत्ता में ये ब्रिटिशर्स को, 146 ब्रिटिशर्स को वहाँ पर जेल में बंद कर देते हैं. कौन करता है ये काम, तो ये काम करते हैं नवाब जो होते हैं बंगाल के वो, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही तहखाना जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है. तो अब इनका तो उद्देश्य था कि इन ब्रिटिशर्स को डराना, लेकिन उससे उसमें होता क्या है कि आउट ऑफ विच 123 प्रिजनर्स, टोटल कितने थे, 146 ब्रिटिशर्स थे जिनको इन्होंने जेल में बंद किया था छोटे से जेल में, उनमें से 123 जो जेलर्स थे यानी जेल में ब्रिटिशर्स थे वो मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से, क्योंकि एरिया बहुत कम होता है. और ये इनफेमसली नोन एज द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता किसको बोला गया है, जब नवाब ने मार्च किया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम की तरफ ऑक्यूपाई करके, तो उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को जेल में बंद किया था. दिस इवेंट ब्रॉट द हॉस्टैलिटी ऑफ ब्रिटिश इन द ओपन बैटल. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा हो गए थे और कहीं ना कहीं ये बैटल का एक स्टार्ट हो गया था कि अब उनको लड़ाई करनी है. फिर उसके बाद क्या होता है, अराइवल होता है किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, जो लीड करते हैं बैटल ऑफ प्लासी को. तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, फॉलोइंग दिस ट्रेजिक डिफीट ऑफ द ब्रिटिश बाय द नवाब ऑफ बंगाल, अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट फ्रॉम मद्रास.
कहने का मतलब है, ये बोल रहे हैं कि जो एक डिफीट हुई ब्रिटिशर्स की नवाब ऑफ बंगाल के द्वारा, भले ही वो बोल सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, 123 लोगों की, तो एक स्ट्रांग फोर्स आई किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, वो मद्रास भेजी गई किस लिए, ओवरथ्रो करने के लिए नवाब को जो वहाँ पे सिराजुद्दौला थे, और स्ट्रेंथ करने के लिए ब्रिटिश की पोजिशन को बंगाल में। क्लियर हो गया? तो डिसकंटेंटेड फॉलोअर्स ऑफ द नवाब, जो नवाब के जो डिसकंटेंटेड फॉलोअर्स जो इनके अगेंस्ट में थे, सच एज अमीर जफर, ठीक है, एंड द बंगाली जनरल, वर ब्राइब्ड टू फॉर्ज एन अलायंस विद द ब्रिटिश। देखिए पूरी स्टोरी ये थी कि जो ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम बनाया कलकत्ता में और वहाँ पर कब्जा कर लिया फोर्ट बनाकर, तो कहीं ना कहीं नवाब को लगा कि ये मेरी पावर ख़त्म कर रहे हैं और ये अपने अपना जो है अपने आप को वहाँ पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम पे ये फाइनेंशियली उनको पैसे नहीं दिया करते थे और काफ़ी लॉस हो रहा था नवाब को। तो नवाब ने क्या किया, फोर्ट विलियम की तरफ पे ये अपनी सेना लेकर गए और वहाँ पर 146 लोगों को कलकत्ता में इन्होंने बंदी बना लिया जेल में। वो जेल का एरिया जो है वो इतना छोटा था कि उसमें से 123 लोगों की वहीं डेथ हो गई सफोकेशन की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या होता है कि अराइवल होता है किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव जब आते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि इतने सारे ब्रिटिशर्स मारे गए हैं, तो ये मद्रास की तरफ यानी कि जो नवाब होते हैं बंगाल के, उनके खिलाफ काफ़ी स्ट्रांग फोर्स यानी कि आर्मी लेकर जाते हैं मद्रास की ओर, बढ़ते हैं और वहाँ पर जो है ये लड़ाई करते हैं किससे, नवाब ऑफ बंगाल से, और अपनी जो ब्रिटिश पोजीशन है वहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? और इसकी वजह से क्या होता है कि जो नवाब हैं इनके कोर्ट में ही इनके काफ़ी गद्दार लोग होते हैं जो इनके खिलाफ होते हैं, वो ब्रिटिशर्स को साथ देते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको थोड़ी रिश्वत देते हैं, जिसमें नाम है मीर जाफर का और कुछ बंगाली जनरल्स थे, ये नवाब के खिलाफ जाकर बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? तो मीर जाफर जो है ये किंग ऑफ सिराज थे, आप बोल सकते हो किंग ऑफ सिराज, वॉज प्रोमिस्ड द थ्रोन। तो मीर जाफर ने क्यों साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक कठपुतली चाहिए था नवाब के रूप में जिसको ये अपने इशारों पे नचा सके, तो इनको ये मिल गया था मीर जाफर। तो मीर जाफर को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमें हेल्प करो, ताकि हम फिर हम उनको हरा के आपको बंगाल का जो नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर उनको सपोर्ट करता है और ये बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद जो नेक्स्ट नवाब बनता है ब्रिटिशर्स के अंडर, वो बनता है मीर जाफर। ठीक है, तो कोर्स ऑफ वॉर क्या होती है, क्लाइव की जो आर्मी होती है वॉज कन्फ्रंटेड बाय नवाब्स आर्मी एट प्लासी। प्लासी एक विलेज है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, भागीरथी रिवर के पास है ईस्ट में, अलॉन्ग विद द फ्रेंच सोल्जर्स ऑन देयर साइड। तो उस टाइम पे फ्रेंच के सोल्जर्स किसकी तरफ थे, वो थे नवाब की तरफ। द नवाब्स आर्मी ऑफ 50,000 फोल्ड सोल्जर्स, नवाब की आर्मी में 50,000 सोल्जर्स थे आउट नंबर्ड, और क्लाइव की फोर्स में सिर्फ 3,000 लोग थे। तो ये देख रहे हो आप, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है नवाब हार जाता है। हाउ एवर द सीक्रेट अलायंस, अब इसमें ये हारे कैसे, क्योंकि सीक्रेट अलायंस बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने किसके साथ में, नवाब के ही कोर्ट में, अब मीर जफर के साथ में और उनके कुछ जनरल्स हुआ करते थे उनके साथ में, तो यहाँ पर इसलिए ब्रिटिशर्स जीत पाए थे। मोर ओवर जो मीर जाफर था, विद अराउंड 1/3 ऑफ द बंगाली आर्मी डिडंट ज्वाइन द बैटल। अब 50,000 में से उसका 1/3 हिस्सा तो ज्वाइन ही नहीं कर पाया आर्मी का, क्योंकि मीर जाफर ने अपनी सेना जो 1/3 सेना थी 50,000 की, 50,000 में से वो इन्होंने साइड कर ली, वो बैटल में ज्वाइन ही नहीं हुए और कंट्रीब्यूट किया नवाब की डिफीट पे। तो नवाब के डिफीट होने का कहीं ना कहीं कारण था कि मीर जाफर ने उस टाइम पे अपना बैटल में 100% नहीं दिया और 1/3 सेना लेकर ये हट गए वहाँ से। तो अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेज जो नवाब ट्राइड टू एस्केप विद हिज आर्मी बट वॉज किल्ड बाय मिरान सन ऑफ मीर जाफर। नवाब बहुत ट्राई करता है उस सिचुएशन से बचने के लिए, लेकिन वो मारे जाते हैं किसके द्वारा, मीरन के द्वारा। मीरन कौन होता है, वो मीर जाफर का बेटा होता है उनके द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि मीर जाफर का बेटा है मीरन, वो मारता है नवाब को। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, द बैटल इज रिगार्डिंग अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो बैटल हुआ था ये हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी हार हुई थी इंडिया में इंडियंस की, किसके हाथों, ब्रिटिशर्स के हाथों। तो यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ पॉलिटिकल, एक राजनीतिक और मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब सबको पता चल गया कि ऐसा कोई लड़ाई हुई है जहाँ पर हम लोग अंग्रेजों से हार चुके हैं, लोगों के मन में डर आ गया कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर आके अब अपना राज चला रहे हैं, हम लोग उनसे हार रहे हैं, तो लोगों के अंदर इनका डर बैठ गया। अब लड़ाई के बाद क्या हुआ, पोस्ट वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव क्या करता है, प्रोक्लेम करता है मीर जाफर को एज अ नवाब ऑफ बंगाल। मैंने बताया था कि वो बंगाल का नवाब बन जाता है, एज अ कठपुतली, एज अ पपेट,
एंड प्लेस्ड हिम ऑन द थ्रोन ऑफ मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद की गद्दी पे इसको बिठा दिया जाता है, किसको? मीर जाफर को। तो मीर जाफर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ब्रिटिशर्स एज पर एग्रीमेंट, अब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अगर हम आपको बंगाल की गद्दी यानी मुर्शिदाबाद की जो तो गद्दी पे हम बिठा रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, तो उसके बदले में एक एग्रीमेंट हुआ। तो एग्रीमेंट में मीर जाफर ने जमींदारी दी ब्रिटिशर्स को 24 परगनास की, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस था। तो 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस की जमींदारी के राइट्स किसको मिले? ब्रिटिशर्स को मिले। किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा। कब हुआ ये? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ एवर दिस कुड नॉट सेटिस्फाई द ब्रिटिश एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। तो कहने का मतलब है मीर जाफर के इतना करने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे जो चीज़ें उनको मिल रही थी, वो क्या करते हैं, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो मीर कासिम कौन होते हैं? वो मीर जाफर के सन इन लॉ होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, थ्रोन पे बैठा देते हैं, किसकी? नवाब ऑफ बंगाल में। तो अभी मीर जाफर बैठे हुए हैं, ये इनके साथ कुछ डील करते हैं 24 परगना की, ग्रुप ऑफ विलेज जिसे हम बोलते हैं, ये बंगाल में देते हैं कंपनी को, ब्रिटिशर्स को। उसके बाद होता है कि मीर जाफर से ये खुश नहीं होते, मीर जाफर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सत्ता को चलाने लगता है, और वहाँ से जो ब्रिटिशर्स है वो इससे ना खुश होकर इसके जो सन इन लॉ होता है मीर कासिम उसको बिठा देते हैं थ्रोन पे, और ये मीर कासिम जो है नेक्स्ट बनता है नवाब ऑफ बंगाल। तो याद रखना है आपको कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनता है। फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी हो गया। प्लासी से ये था कि अब तक जो है ब्रिटिशर्स को एक बार लोग जानने लग गए कि अच्छा हम लोग इनसे हार रहे हैं और ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क आप बोल सकते हो, जिसके बाद ब्रिटिशर्स की जो पकड़ है इंडिया पे वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो गई थी, पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। तो इस बैटल के बाद क्या हुआ? द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो। तो बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे फाइट को, जो भी वॉर होनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो है उस वॉर को लेड करा जा रहा था, बैटल को हेक्टर मुनरो के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। और एंड द कम्बाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल टिल 1763। एक साइड ब्रिटिशर्स थे और एक साइड मीर कासिम और जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके बीच में ये लड़ाई हुई। और सुजा उद दौला द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो एक साइड है बैटल ऑफ बक्सर, ये हमारा बैटल ऑफ बक्सर है, इस साइड है हमारे ब्रिटिशर्स जिनमें है लेड कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ जो है इनके अगेंस्ट में मीर कासिम है जो कि नवाब ऑफ बंगाल है। एग्जाम में मीर कासिम का नाम ना देके सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे कौन थे इनके साथ? दूसरे थे सुजा उद दौला, तो ये ध्यान रखना है, जो कि नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। और तीसरे थे हमारे मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो इन तीनों का ध्यान देना है कि बैटल ऑफ बक्सर में ये तीन एक साइड थे और एक साइड ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। मीर कासिम ही वॉज द एबलेस्ट अमंग ऑल द सक्सेसर्स ऑफ अली वर्दी खान। तो मीर कासिम जो है ये माना जाता है कि सबसे अच्छे सक्सेसर थे, किसके? अली वर्दी खान के। मीर कासिम एंड एफिशियंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर, तो ये एक एफिशियंट और स्ट्रॉन्ग रूलर थे, डिटरमाइन करते हैं टू इम्प्रूव द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड शिफ्ट करते हैं अपना कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर जो कि बिहार में है, ये किसने शिफ्ट किया था? तो मीर कासिम, एग्जाम में 70 बार एक क्वेश्चन आया चेंज करके कि मीर कासिम ने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी थी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट करी थी। कब करी थी? 1762 में, यानी कि 1762 में। फिर एक बार क्वेश्चन ऐसे बना के भेजेगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी, तो आपको ध्यान रखना है मीर कासिम ने, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। और ड्यूरिंग मतलब आप बोल सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर के आसपास ही ये चीज़ की थी इन्होंने, तो इसी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने इनके साथ लड़ाई करी थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था मीर कासिम ने, ये मुर्शिदाबाद जो है इसको कैपिटल बनाया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने अपनी चलाई और मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट करके वहाँ पर गोला बारूद बंदूकें वगैरह बनवाने लग गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। ही रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फुल ट्रेजरी एंड अफिशियंट आर्मी रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। तो मीर कासिम को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए इसको कम से कम फुल ट्रेजरी यानी कि प्रॉपर पैसा चाहिए, खजाना चाहिए जिसको ये यूज़ कर सकता है, एन अफिशियंट आर्मी, एक आर्मी चाहिए इनको। तो बिना पैसे के आर्मी आप लेड नहीं कर सकते हो, मेंटेन करने के लिए अपनी खुद की इंडिपेंडेंस आप ब्रिटिशर से लड़ोगे कैसे? तो इसलिए इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में जो है अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी, ताकि मुंगेर जो एक कैपिटल बनती नवाब ऑफ बंगाल की, तो वो ये अपने हिसाब से चला सकते।
तो मीर कासिम रिगार्डेड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर. अब क्या हुआ, इसने अपने आप को ब्रिटिशर्स से अलग कर दिया. ब्रिटिशर्स ने ही मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब बनाया था. लेकिन अब मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्ट कर दी मुंगेर में 1762 में, और उसके बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. अब इसने ब्रिटिशर्स को खुली चुनौती दे दी, विच वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश एज दे वॉन्टेड हिम टू बी अ पपिट इन देयर हैंड. हमने देखा कि ब्रिटिशर्स शुरू से ही जो अवध के नवाब हैं उनको चेंज करते जा रहे, क्योंकि उनको एज एक पपिट चाहिए था. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. टसल बिटवीन, अब टसल हुई यानी कि फाइट हुई बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, ड्यू टू द मिस यूज ऑफ फरमान ऑफ 1717 बाय द ब्रिटिश टू इवेड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, मीर कासिम टुक द एक्सट्रीम स्टेप. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने 1717 में फरमान निकाला था मीर कासिम के लिए, एक ट्रिटी हुई थी जिसमें मीर कासिम को कुछ ही चीज़ों को यूज़ करने की सलाह दी गई थी कि आप सारा का सारा जो पैसा है अपने पास नहीं रखेंगे. लेकिन मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम टुक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ अबॉलिशिंग ऑल ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज इसने अबॉलिश करी और इंटरनल ट्रेड जो भी ट्रेड हो रहा था एंड बेनिफिटिंग हिज ऑन सब्जेक्ट्स, तो उसको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने लग गया. तो अगर आप नॉर्मली देखें, इतना टेक्निकल टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियरली अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब यही है कि मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में जो डील हुई थी पैसों को लेने देने में, कस्टम ड्यूटीज़ जो इंटरनल चलती हैं, जो ट्रेड चलता है इंटरनल बाउंड्रीज़ में, उसका जो अबॉलिश नहीं करना था मीर कासिम को, मीर कासिम वो सारी ड्यूटीज़ जो है इंटरनल ट्रेड के लिए वो सब अबॉलिश कर रहा था और उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा था, बाई गिविंग दैम द कंसेशन दैट द ब्रिटिश हैड फोर्सफुली स्नैच्ड. फिर देखते हैं हम, दिस वॉज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड बाय द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स को अब दिखाई दे गया कि मीर कासिम उनके हिसाब से नहीं चल रहा है और जो भी इनकम हो रही है सब वो अपने पास ही रख रहा है, तो इसका इन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स ने, एंड अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर अदर ट्रेडर्स वॉज डिमांडेड. तो फिर इन्होंने डिमांड किया अलग ट्रीटमेंट के लिए. तो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ट्रांजिट ड्यूटी लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर. तो कंटिन्यूस पहले कैपिटल शिफ्ट करना, फिर वहाँ पर अपने कारखाने बनाना बंदूक वगैरह के, अब आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे इनके बीच में क्लैश हो रहा था, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वॉर में बदल गया बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मीर कासिम. तो ये वॉर कब हुआ, आउटब्रेक कब हुआ, 1763 में, विच रिजल्टेड इन ब्रिटिश विक्ट्रीज एट कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती एंड मुंगेर. तो यहाँ पर ये जीत चुके थे 1763 में. फिर क्या होता है, मीर कासिम फ्लेड टू अवध. अब मीर कासिम अवध जाते हैं किसके पास, बंगाल ऑफ नवध, जो कि कौन थे, सुजाउद्दौला, उनके पास जाते हैं, फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध जिनका नाम था सुजाउद्दौला. तो अब मीर कासिम को तो ब्रिटिशर्स ने मुर्शिदाबाद से भी हटा दिया और मुंगेर से भी हटा दिया, वहाँ पर ये जीत गए ब्रिटिशर्स. अब क्या हुआ, 1763 में इतनी जगहों को हारने के बाद मीर कासिम जो है अवध के नवाब के पास जाते हैं जो कि सुजाउद्दौला होते हैं, और ये दोनों मिलके, फिर मीर कासिम और सुजाउद्दौला दोनों मिलकर जाते हैं मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के पास विद अ व्यू टू रिकवर करने के लिए बंगाल को फ्रॉम द ब्रिटिशर्स से. अब इस चीज़ में क्या हुआ, ये तीनों एक हो गए. अब बैटल होता है, कोर्स ऑफ वॉर इन अक्टूबर 1764. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर की भी आपको महीना भी पता होना चाहिए, आपको डेट भी पता होनी चाहिए, और आपको सन भी याद होना चाहिए कि किस साल में हुआ था. तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इनकी वॉर का क्या वो था, तो इन अक्टूबर 1764 इन अ फाइनल अटेम्प्ट टू आउट द ब्रिटिश फ्रॉम बंगाल, तो ब्रिटिशर्स जो है बंगाल को फाइनली अपने अंदर लेने वाले थे, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड, जो कि लास्ट मुगल एम्परर आप बोल सकते हो, केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द फॉर्मर. तो ये इनके अगेंस्ट में लड़े. द आर्मीज ऑफ नवाब्स एंड द मुगल एम्परर वर डिसिसिवली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज. अब तीन आर्मी इकट्ठी होने के बाद भी वो ब्रिटिशर्स का मुकाबला नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स से हार गए अंडर मेजर हेक्टर मुनरो, जो कि बैटल ऑफ बक्सर को लेड कर रहे थे. कहाँ पे ये हुई थी फाइट, बक्सर में, ये ध्यान रखना है. रिजल्ट क्या हुआ, दिस डिसिसिव बैटल कन्फर्म्ड ब्रिटिश पावर ओवर बंगाल. अब बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी कंटिन्यूस जीतने के बाद फाइनली अब ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स से स्ट्रॉन्ग पावर पूरी इंडिया में कोई नहीं है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को गुलाम बनाने का जो इंडियंस को मौका मिला वो इसके बाद ही मिला, एंड मार्क्ड द एंड ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द रूल ऑफ बंगाल थ्रू पपेट नवाब. तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी जो इनको पपेट बनाना था. अब जो बैटल हुआ ये रिजल्ट में निकला इन द ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी। तो ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1765 में ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद हुई थी, जिसके अंदर मुगल एम्परर ने सरेंडर किया था अपनी सॉवरनिटी ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को बंगाल की पूरी सॉवरनिटी दे दी, किसने? मुगल एम्परर ने। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द विक्टर एट द प्लासी, जो जीते थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे। तो बहुत ही इज्जत से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव, किसके बाद? विक्ट्री ऑफ प्लासी के बाद। ठीक है, प्लासी की बात हो रही है, बक्सर की बात नहीं हो रही है। सिग्निफिकेंस देखे, अनलाइक द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के जैसा नहीं, विच वॉज मोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ फुल फ्लेज्ड वॉर। तो बैटल ऑफ प्लासी एक नॉर्मल वॉर थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स की, तो जिसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो थी ये फुल फ्लेज्ड वॉर थी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया की आर्मी जो है उसमें इंक्लूड हो गई थी, पूरा मुगल एम्परर की आर्मी, बंगाल की आर्मी, अवध की आर्मी, सब इंक्लूड हो गए थे इसमें। तो ये वॉर अपने आप में ही बहुत बड़ा था, विच स्टैब्लिश द ब्रिटिश पावर इन वॉरफेयर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अब सिर्फ अवध और बंगाल के नवाब ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुगल एम्परर थे ये भी हार चुके थे, जो मुगल एम्परर की एक ओहदा था वो भी खत्म हो चुका था। द विक्ट्री मेड द ब्रिटिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। अब जो विक्ट्री है ब्रिटिशर्स की, तो इस पर पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत इन्होंने छाप छोड़ी, एंड कंटेंडर्स फॉर सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। पोस्ट वॉर की अगर हम बात करें, आफ्टर द बैटल मीर जफर वॉज री इंस्टेटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। वापस से मीर जफर को ही इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया 1763 में। पोस्ट वॉर की बात है ये, जब मैंने बताया था कि इन्होंने इसको हटा के उसको बना दिया था। ही एग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर। तो इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट जो थी मिदनापुर और बुर्दवान, चित्तगोंग, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट थी ये इन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मीर कासिम को हराने के बाद युद्ध में वापस से मीर जफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया था। द ब्रिटिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स को जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए परमिशन मिल गई थी, ये उनको यही चाहिए था बंगाल में, क्योंकि इनको चाहिए था कि हम बंगाल का नवाब उसे बनाएं जो एज अ कठपुतली काम करे, उनके हिसाब से चले। तो कहीं ना कहीं मीर जफर उनके हिसाब से चल रहे थे, और वहाँ पर इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मतलब अब कोई ड्यूटी ही नहीं देनी है, कोई टैक्स ही नहीं देना है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट, यानी कि नमक पे सिर्फ 2% का इन्होंने ड्यूटी लगाया था, बाकी और कहीं भी इनको ड्यूटी देने की या टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। ही डाइड इन 1765। अब मीर जाफर जो है ये 1765 में इनकी डेथ हो जाती है, एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नजम उद दौला। तो नजम उद दौला के द्वारा ये सक्सीड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नवाब कौन बना? नजम उद दौला बने। हाउएवर द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल रिमेन्ड। ईशान भाई ये गेट बंद कर दे, इतने बर्तन खड़का रही है ना मम्मी। गेट लगा दे भाई। हाँ भेज दो भेज दो। अब नेक्स्ट लाइन हमारी है कि ही डाइड इन 1765 में इनकी डेथ हो जाती है, एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नजम उद दौला। तो नजम उद दौला जो इनके बेटे होते हैं ये इनको सक्सीड कर लेते हैं, इनके जगह नवाब बन जाते हैं बंगाल के। हाउ एवर द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल रिमेन्ड विद द ब्रिटिशर्स। तो जो रियल पावर है एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसके पास रहती है? ब्रिटिशर्स के पास ही रहती है। अब नजम उद दौला जो है ये साइन करते हैं ट्रिटी किनके साथ? ब्रिटिशर्स यानी कि कंपनी के साथ, एंड बिकम अ टाइटल्ड पेंशनर। अब ये पेंशनर हो गए, ये पेंशन देंगे ऑन 53 लाख ऑफ रुपीज पर ईयर। उस टाइम पे 53 लाख रुपीज यानी कि 53 लाख रुपए ये पेंशन देते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विच वॉज रिड्यूस्ड विद एवरी न्यू सक्सेसर्स। अब ब्रिटिशर्स इनको पेंशन दे रहे हैं, अब डे बाय डे जो चेंज हो रहे हैं नवाब उसके हिसाब से जो पेंशन है वो भी कम होती चली जा रही थी। इन 1772 में ब्रिटिश कंप्लीटली एंडेड द पेंशन।
अब 1772 में कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से, देखिए 1765 से स्टार्ट हुआ था ये पेंशन वाला सिस्टम, 1772 में ब्रिटिशर्स ने पेंशन देना ही बंद कर दिया एंड टुक ओवर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ बंगाल. फाइनली इन्होंने अब कोई नवाब नहीं बनाया, अब पूरा जो चार्ज है बंगाल का इन्होंने अपने अंडर ले लिया. ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी है, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट आता है कि ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद में क्या क्या ट्रिटी हुई थी. तो फर्स्टली आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1765 में हुई थी. इन 1765 टू ट्रिटीज वर कॉन्क्लूडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दो ट्रिटी हुई थी अलाहाबाद की ट्रिटी में, तो वो कौन सी थी, किसके साथ हुई थी, पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो नवाब थे शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. देखिए मीर कासिम से इनका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि बंगाल तो इनके ही उसमें रहता, लेकिन जो दो लोग अवध का नवाब और जब मुगल एम्परर शाह आलम इसमें इंक्लूड हुए थे, अब इनको भी ट्रिटी के हिसाब से ब्रिटिशर्स को कुछ देना था. अंडर द फर्स्ट ट्रिटी दो ट्रिटी हुई थी, नवाब ऑफ अवध के साथ क्या ट्रिटी हुई थी वो देखना है. तो अलाहाबाद एंड कारा वर सरेंडर्ड बाय द नवाब टू मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. अब फाइट तो आपस में हुई है इनकी, लेकिन क्या हुआ, अलाहाबाद और कारा जो है ये नवाब के थ्रू किसको दिलवाया, मुगल एम्परर को, शाह आलम सेकेंड को दिया. ठीक है, अ सम ऑफ ₹50 लाख वॉज पेड टू द कंपनी. अब 50 लाख रुपये ये कंपनी को देंगे. अपने दो डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो या सिटी अलाहाबाद और कारा, तो इन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड को दे दी नवाब ऑफ अवध ने, जो कि शुजाउद्दौला थे. और शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपये कंपनी को वॉर की इंडेमनिटी दी, मतलब वॉर में जो खर्चा हुआ उनका वो भी इन्होंने भरा. फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अवध की हम बात करें, जो अवध के साथ ट्रिटी हुई थी. बलवंत सिंह द जमींदार ऑफ बनारस वॉज गिवन फुल पोजेशन टू हिज एस्टेट. क्लियर हो गया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि आगे क्या हुआ. तो हमने अब तक देखा कि पहली ट्रिटी जो हुई वो नवाब ऑफ अवध के साथ हुई क्योंकि दो लोग इसमें जुड़े थे. अब जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, इनके साथ इन्होंने अलग ट्रिटी करी. तो एम्परर वॉज आस्क्ड टू रिसाइड एट अलाहाबाद अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन. तो इस एम्परर को बोला भाई आप अलाहाबाद में ही रहो कंपनी के प्रोटेक्शन में, अब आप अपने हिसाब से कुछ नहीं करोगे. जो दीवानी ऑफ बंगाल था बिहार और उड़ीसा वर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये किसने दिया, शाह आलम सेकंड ने राइट्स दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपये. क्लियर हो गया. एन अमाउंट ऑफ ₹53 लाख टू बी गिवन बाय द मुगल एम्परर टू द कंपनी. अभी 53 लाख रुपये देंगे इन रिटर्न टू निजामत फंक्शन की मिलिट्री डिफेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों के लिए. अब मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड जो हैं ये ब्रिटिशर्स को यानी कि कंपनी को 53 लाख रुपीज़ देंगे. ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मेजर डिफरेंस इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्नाटिक वॉर. तो कर्नाटिक वॉर का इसमें जिक्र हुआ है क्योंकि ये इसी बीच हुआ था, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. इनका भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में, क्योंकि 1740 से 1748 यहाँ पर कर्नाटिक वॉर चला, ये दूसरा पार्ट चला, ये तीसरा पार्ट चला, तीन कर्नाटिक वॉर हुए. इसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी, फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर. तो ये दिखा रहा है कि जो कर्नाटिक वॉर स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिश सुपरमेसी में ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. अभी बता रहा है कि जो कर्नाटिक वॉर था उसने ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी जो मतलब कहने का मतलब लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स काफ़ी ताकतवर हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड करने के लिए इंडिया में इन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी थी कर्नाटिक वॉर में, क्योंकि ये दूसरी कंट्री के साथ लड़ रहे थे कर्नाटिक वॉर में. बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ये फाउंडेशन रखते हैं ब्रिटिश एम्पायर की अपनी इंडिया में. तो अभी बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन रखी, अब ये यहाँ पे आके बैटल ऑफ प्लासी में कुछ राज्य जीत गए हैं और वहाँ अब ये अपनी फैक्ट्रीज वगैरह अच्छे से बना रहे हैं, कुछ इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें. बैटल ऑफ बक्सर में इस्टेब्लिश होता है द ब्रिटिश एज द मास्टर ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा एंड मेड दैम अ ग्रेट पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि ये तीन जगहों को हरा चुके थे, मुगल एम्परर को, बंगाल के नवाब को और अवध के नवाब को, एंड कंटेंडर्स फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द होल कंट्री. अभी कहीं ना कहीं पूरी कंट्री पे राज करने के लिए तैयार हो गए थे. इसी बीच एक जिक्र आता है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बंगाल. तो इसका मतलब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1765 जब ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन होता है. इट्स आर्मी वॉज इन सोल कंट्रोल ऑफ इट्स डिफेंस. इसकी जो आर्मी है ये कंट्रोल में होती है इनके डिफेंस के लिए. एंड द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वॉज इट्स इन हैंड. तो डिफेंस, आर्मी, ये सब इनके कंट्रोल में होती है, पॉलिटिकल पावर भी इनके हाथ में होता है. नवाब ऑफ बंगाल बिकेम डिपेंडेंट फॉर हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स.
जो बंगाल थे नवाब के, सॉरी नवाब जो थे बंगाल के, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि अब जो आर्मी जो सिक्योरिटी इनको मिलेगी वो ब्रिटिशर्स की ही मिलेगी, अब ये अपने लोग नहीं रख सकते हैं अपनी आर्मी में, ब्रिटिशर्स के ही लोग जो होंगे वो इनको सिक्योरिटी भी देंगे और इनकी आर्मी में रहेंगे, तो कोई भी लोकल इंसान उस टाइम आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। द वर्चुअल यूनिटी ऑफ द टू ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल वॉज सिग्निफाइड बाय द फैक्ट दैट द सेम पर्सन एक्टेड इन बंगाल एज द डिप्यूटी दीवान ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एंड द डिप्यूटी सूबेदार ऑन द बिहाफ ऑफ नवाब। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ द ड्यूल गवर्नमेंट। मैं दोबारा बताती हूँ कि एक वर्चुअल यूनिटी ऑफ टू ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट थे ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर, जो कि सिग्निफाई करते थे द फैक्ट दैट कि सेम पर्सन एक्ट करता था बंगाल में एज अ डेप्यूटी दीवान, मतलब बंगाल में भी वो दीवान बन रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ से, एंड डेप्यूटी सूबेदार ऑन द बिहाफ ऑफ नवाब, मतलब आप नवाब की तरफ से बंगाल के सूबेदार बने हो और कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आप दीवान बने हो बंगाल के ही, तो आपको दो ड्यूटीज निभाने को मिल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर डबल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया, आगे और समझेंगे। तो ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल हैड अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द ब्रिटिशर्स, दे हैड पावर विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सारी पावर थी इनके पास लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था, क्यों? अब इनको ये था कि इन्होंने अपने ही आदमियों को वहाँ रख रखा था, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये किसी को पेंशन दे रहे थे वहाँ के नवाब को, और वहाँ का नवाब सारे काम करवा रहा था, इनको ये था कि हमारे पास पूरी पावर है, पैसा आ रहा है, सालाना इनकम इन्होंने फिक्स कर रखी थी, वो सब इनको मिल रहा था, तो इनको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था, बैठे बैठे इनकी पावर जो है स्ट्रांग हो रही थी। ब्रिटिश कंट्रोल्ड द फाइनेंस ऑफ बंगाल एंड इट्स आर्मी डायरेक्टली एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्टली, तो फाइनेंस को ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी एक फॉर्म है हमारे ड्यूल गवर्नमेंट का, ठीक है। द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स लेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो नवाब ऑफ जो नवाब थे और ऑफिशियल्स थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बट नॉट द पावर। इनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप पूरा राजपाट संभालो, आप हर चीज़ करो, लेकिन जो पावर थी यानी कि एक डिसीजन लेने की जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में थी, आपको एट द एंड उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डबल गवर्नमेंट यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ बंगाल वर डिजास्टर्स, वहाँ के लोगों के लिए बहुत गलत हुआ, नाइदर द कंपनी नॉर द नवाब केयर्ड फॉर देयर वेलफेयर, तो कोई उनके हिसाब से ध्यान नहीं रख रहा है क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं और कहीं ना कहीं नवाब को सालाना इतनी इनकम जो है 53 लाख 56 लाख रुपीज़ कंपनी को पे करना होता था, तो उसका भी ध्यान सिर्फ पैसों की तरफ होता था। 1770 में बंगाल सफ़र करता है एक फेमाइन, मेजर फेमाइन आता है वहाँ पर, विच इन इट्स इफेक्ट प्रूव्ड वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल फेमाइंस नोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। बहुत बड़ा फेमाइन आता है, बहुत बड़ी भुखमरी और सूखा पड़ता है अब बंगाल में 1770 में, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वैसा माना जाता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जाने गई थी। कहाँ की बात हो रही है, बंगाल की। ये कुछ ऐसी हालत हो गई थी लोगों की उस टाइम पे, मैंने फोटो डाल दिया आप देख लेना। बंगाल फेमाइन ने किल्ड किया था मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों में लोग मारे गए थे, नियरली 1/3 ऑफ बंगाल्स पॉपुलेशन फेल विक्टिम, यानी कि आज मतलब उस टाइम की बंगाल की जो पॉपुलेशन थी तो 1/3 लोग जो है उस टाइम पे इसके शिकार हुए थे। टू इट्स रेवेज थ्रू द फेमाइन वॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ रेन्स, बारिश नहीं थी सूखा पड़ गया था, बट इट्स इफेक्ट वर हाइटेंड द कंपनीज पॉलिसीज, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कंपनी की पॉलिसीज पे भी असर पढ़ा था। तो ये हमने सारा पढ़ा किसके बारे में, तो अब तक जो हमने देख लिया ये सारा कुछ हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के जो कॉन्क्वेस्ट हुए इंडिया में, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैसूर के कुछ कॉन्क्वेस्ट, कि मैसूर ने कॉन्क्वेस्ट किया था इंडिया में, तो फिर मैसूर के बाद हम मराठा का देखेंगे थोड़ा बहुत, तो मैसूर का काफ़ी बड़ा हो जाएगा जिसमें हम काफ़ी कुछ देखेंगे, एंग्लो वॉर्स आती हैं उसमें। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं और मैसूर वॉर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इनको 3 पार्ट्स में मैं डाल दूंगी ताकि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना।